फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्लास 24 आपनों राजस्थान। हाल ही में जो सूचना जारी हुई है वो बहुत दुखद है, क्योंकि उस सूचना के थ्रू काफी सारे बच्चों का हुआ है नुकसान, क्योंकि वो काफी सारा अपना पैसा लगा करके, अपना वक्त लगा करके गए थे एग्जाम सेंटर पे एग्जाम देने, लेकिन एग्जाम हो गया है 13 तारीख वाला, सेकेंड शिफ्ट का अभी तक तो रद्द। संदीप, अपने साथ में प्रदीप सर जुड़े हुए हैं। प्रदीप सर, क्या कहना चाहते हो सर आप बच्चों के इस बारे में? सर बिल्कुल, देखो सर, मैं तो ये बताना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं हौसले बुलंद हो रहे हैं उन लोगों के जो कि इनडायरेक्ट रूप से इस भर्ती के अंदर घुसना चाह रहे हैं। ठीक है, सरकार का भी एक बड़ा अहम रोल उन्हें आप पर होना चाहिए कि उनको किस प्रकार से रोके, उनको किस प्रकार से समझाए, यार जो भी करना करो यार, पर बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, बसों में धक्के खा रहे हैं सर, इसके अलावा किराया लगा रहे हैं, खाने की व्यवस्था नहीं हो रही फिर भी कर रहे हैं। सर, मुझे ऐसा लगता है एक बच्चे का एग्जाम देने में कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं। बिल्कुल सर, 4-5 हज़ार रुपये की कहाँ वैल्यू है आज? आप भी समझते हो कि रुकना, खाना पीना, उसके बाद में सबसे बड़ी बात उसकी इतनी टाइम से तैयारी, उसका होपलेस हो जाना, जो पैसा वहाँ पर मायने नहीं रखता सर। बिल्कुल सर, ये मैं भी मानता हूँ कि पैसा वहाँ मायने नहीं रखता है, लेकिन इतनी दुख पाकर के एग्जाम देने जाते हैं और रद्द हो जाता है तो वो बड़ी दुख होता है। कि आपको भी ऐसा दुख होता है तो बिल्कुल इसके खिलाफ प्रोटेस्ट जरूर करना चाहिए और आप सभी लोग जुड़े इस मुहिम के साथ में। सरकार अगर बार बार ऐसे एग्जाम कैंसिल करती रहेगी तो सर हम कब सिलेक्शन पाएंगे और कब हम ज्वाइन करेंगे नौकरियाँ? तो इसी के साथ आपसे लेता हूँ विदा, फिर मुलाकात होगी जल्दी।